नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पावर न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रभा वाजपेयी। आइए डालते हैं एक नजर यूपी की सभी छोटी बड़ी खबरों पर। भाजपा विधायक के हुटरबाज एवं सत्ता के नशे में चूर बेटे ने पत्रकार के साथ किया अभद्रता। सत्ता का ऐसा नशा कि चौथे स्तंभ से ही कार्यक्रम का कवरेज कर रहे पत्रकार का मोबाइल छीनकर अभद्रता करते हुए वीडियो किया डिलीट। जी हां, पत्रकारों में खासा नाराजगी। पत्रकार हुए लामबंद, घटना के बारे में देखे सुरेंद्र रावत ने क्या कहा। क्या कहना चाहते हैं और आप लोग आगे? देखिए, मैं सुरेंद्र रावत इंडिया पावर न्यूज का MD हूँ और आज जो मुझे जानकारी मिल रही है कि विधायक के बेटे द्वारा एक पत्रकार का मोबाइल छीना जा रहा है, उसके साथ अभद्रता किया जा रहा है, तो इसकी सबसे पहले तो मैं घोर निंदा करता हूं। और भाजपा की जहां तक बात है, भाजपा में लग रहा कि दो ऐसे गुंडे हो गए हैं, एक टेनी जो है अजय मिश्रा टेनी, वो अभी पत्रकारों के साथ बदतमीजी किया, और दूसरा सीसवा विधानसभा से जो विधायक हैं माननीय प्रेम सागर पटेल जी, तो जैसे लगता है कि विधायक तो वो नहीं बल्कि उनके सुपुत्र धीरज पटेल हैं, और हुटर बजाते हुए जो गाड़ी से क्षेत्रों का दौरा करते हैं, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। ये सीधा लोकतंत्र की हत्या है। और चौथे स्तंभ पे आज जो प्रहार हुआ है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और मैं हमारी मांगे है कि जिस पत्रकार से इन्होंने अभद्रता किया उससे माफ़ी मांगे, अन्यथा बड़े स्तर पर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। दरअसल मामला कुछ ऐसे था कि निचलौल ब्लॉक प्रांगण में भाजपा के 5 साल के कार्यों का शिलान्यास कार्यक्रम हो रहा था, जिसके मुख्य अतिथि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी थे, जिसकी कवरेज करने विभिन्न चैनलों व अखबारों के पत्रकार पहुंचे थे। कवरेज के दौरान विधायक के सुपुत्र मिनी विधायक धीरज पटेल ने वीडियो बना रहे पत्रकार के साथ अभद्रता करते हुए मोबाइल छीनकर वीडियो भी डिलीट कर दिया। इस कृत्य को लेकर मनोज तिवारी ने क्या कुछ कहा, देखें इस रिपोर्ट में। देखिए, लामबंद हम लोग पत्रकारों के हित के लिए हुए हैं, पत्रकारों के सम्मान के लिए हुए हैं। विधायक पुत्र द्वारा जो है किसी पत्रकार का के साथ अभद्रता करना जो है ये सम्मानित विषय वस्तु नहीं है। पत्रकार के बेटे जो हुटरबाज हैं, जो विधायक के हुटर को लगा के पूरे क्षेत्र में भ्रमण करते रहते हैं, और ये जो है बेअंदाज होकर के पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, जो हम पत्रकारों के को जो है कबूल नहीं है, और पत्रकार संघ जो है उसका विरोध कर रहा है। इनके हर कार्यक्रम, हर कवरेज का बहिष्कार कर रहा है। विधायक से क्या मांग? विधायक अपने बेटे को संभालें, जो है पत्रकारों से अभद्रता न करें। वो विधायक इसमें पत्रकारों के विषय में क्या कर सकते हैं? दबंग विधायक के दबंग मिनी विधायक द्वारा पत्रकार का मोबाइल छीनकर अभद्रता करते हुए वीडियो और फोटो डिलीट कर आईडी कार्ड तक दिखाने का बोल दिया। इसके पूर्व में दर्जा प्राप्त मंत्री मिथिलेश कुमार के SC ST समाज के जनसभा कार्यक्रम के दौरान जनसमूह से नदारत रहने पर खाली कुर्सियों के संदर्भ में सवाल कर प्रमुखता से खबर प्रकाशित किया था, जिसे लेकर आज विधायक के बेटे ने इस तरह का कृत्य किया। देखें इस संदर्भ में विजय पांडे ने क्या कुछ कहा। क्या नाम है और क्या मामला हुआ अभी? मेरा नाम विजय प्रकाश पांडे है, मैं एक पत्रकार हूँ। मैं निचोल ब्लॉक में एक प्रोग्राम हो रहा था, मैं उसका खबर कवरेज करने आया था। यहाँ पर भाषण हो रहा था, यहाँ विधायक सीसवा विधायक प्रेम सागर पटेल जी के सुपुत्र धीरज पटेल जी, मैं कैमरा कर रहा था, मेरा मोबाइल छीन लिया, और उनके दूसरे सुपुत्र आकर कह रहे कि अपना कार्ड दिखाओ, तो मैं अपना कार्ड दिखाऊँ, फिर भी वो मेरा मोबाइल लेकर वीडियो डिलीट कर दिया, और बोले हैं कि तुम जैसे पत्रकार केवल यही काम करते हो, केवल खाली कुर्सियों का वीडियो दिखाते हो। और फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने मेरा मोबाइल लेकर पूरा वीडियो डिलीट कर दिया, और फिर हमको बोले हैं कि तुमको कौन बुलाया यहाँ, किस लिए आए हो। तो इस समय आप लोग अभी क्या कर रहे हैं? इस टाइम हम सभी पत्रकार मिलके इनके खबर का, इनके कार्यक्रम का बहिष्कार कर रहे हैं। यहाँ हमारे सभी पत्रकार साथी इनका कोई खबर कवरेज नहीं कर रहे हैं। ब्लॉक में शिलान्यास का कार्यक्रम था, माननीय पंकज चौधरी जी आने वाले थे, जो अभी नहीं आए हैं, माननीय विधायक जी उसका शिलान्यास किए हैं।
आपको, आप सभी पत्रकारों का क्या मांग है, क्या कहना? मैं सभी पत्रकार यही कहेंगे कि उनका खबर नहीं चलेगा, मैं उन लोगों का खबर का बहिष्कार करते हैं, गलत है।